रेनो काइगर मार्च मंथ में लॉन्च की जाएगी। लॉन्च होने से पहले ये कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। काइगर एसयूवी की ये पिक्चर्स इसके डीलरशिप से ली गई हैं। इन पिक्चर्स में आपको काइगर के कई डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। अभी आप काइगर के जिस कलर को देख रहे हैं उसका नाम महागोनी ब्राउन है। इस कलर में आप यहाँ पर काइगर को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। इस ब्राउन कलर में काइगर रियर से कुछ इस तरह की नजर आएगी। महागोनी ब्राउन के बाद ये कलर काइगर का कैस्पियन ब्लू कलर है। कैस्पियन ब्लू कलर में काइगर का फ्रंट कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद कैस्पियन ब्लू कलर में काइगर का रियर लुक कुछ इस तरह का है। साइड से काइगर का कैस्पियन ब्लू वेरिएंट कुछ इस तरह का नजर आएगा। कैस्पियन ब्लू के बाद ये कलर काइगर का मूनलाइट ग्रे कलर है। मूनलाइट ग्रे कलर में काइगर साइड से कुछ इस तरह की नजर आएगी। मूनलाइट ग्रे कलर में ये काइगर के फ्रंट लुक है। इसके बाद इस ग्रे कलर में काइगर का रियर कुछ इस तरह से नजर आएगा। काइगर को रेनो 6 कलर्स में ऑफर करेगी। ये वो सारे 6 कलर्स हैं जो आपको काइगर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रेडिएंट रेड कलर सिर्फ आपको काइगर के टॉप वेरिएंट्स पर देखने को मिलेगा। 28 जनवरी को रेनो काइगर रिवील की गई थी। काइगर को रिवील करने के बाद इसे मार्च मंथ में लॉन्च किया जाएगा। डीलरशिप पर पहुंचने के साथ काइगर की बुकिंग्स भी बहुत जल्द ही शुरू होने वाली हैं। खास बात यह है कि काइगर के सारे वेरिएंट्स पर आपको मिस्ट्री ब्लैक रूफ देखने को मिलने वाले हैं। इन पिक्चर्स में भी आप सारे कलर्स में मिस्ट्री ब्लैक रूफ को देख सकते हैं। फुल एलईडी लाइट का फीचर आपको काइगर में देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में आप काइगर के एलईडी लाइट के साथ इसके ग्रिल पर किए गए क्रोम के फिनिश को भी देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काइगर न्यूएस्ट कार होगी और मैग्नाइट को भी ये कार प्राइस के मामले में अंडरकट करने वाली है। काइगर के बेस वेरिएंट की प्राइस 5.49 लाख रुपीस से कम ही रखी जाएगी। तो ऐसे में काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की चीपेस्ट कार होने वाली है। नेक्स्ट मंथ काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी की प्राइसेस सामने आने वाली हैं। रेनो के लिए काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी का लॉन्च इस ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्चेस में से एक है। तो काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।